उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां हथियारों ने महिला और पुरुष दो लोगों को हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP TS मंजुनाथ ने मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड को जमीन जायदाद के रंजिश को लेकर अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विगत 5 जून को उधम सिंह नगर के कैलाखेड़ा के रामपुरा काजी निवासी जोगेंद्र बाई अचानक लापता हो गई। गत 6 जून को परिजन परमजीत कौर के कैलाखेड़ा पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद खोजबीन शुरू की। इसके बाद 7 जून को उस समय घटना में नया मोड़ आया जब गांव के पास में बहने वाली एक बोर नदी में 3 मानव अंग और कुछ कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने तीनों अंगों को कब्जे में ले लिया और दोनों अंगों की जोगेंद्र बाई के रूप में पहचान हुई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि रामपुरा काजी में अपनी बेटी के ससुराल में रह रहा गुरमीत सिंह भी 5 जून की रात से लापता है। गुरमीत सिंह के बेटे सोनू सिंह ने पांव के पंजे में मौजूद गांठ से अपने पिता की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और गुमशुदगी को हत्या की धाराओं में तब्दील कर जांच शुरू की, जिसके बाद बोर नदी और आसपास की नदियों और नालों में शवों के शेष हिस्सों की खोजबीन शुरू कर दी गई। पुलिस को इस बीच गांव में फरार धर्मेंद्र और गुरदेव सिंह पर शक हुआ। दोनों पुलिस की रडार पर आ गए और पुलिस को जांच में ये पता चला कि लापता गुरमीत सिंह अंतिम बार धर्मेंद्र के साथ देखा गया और फिर पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया। पहले वो पुलिस को भरभराता रहा और लेकिन जब पूरे तथ्य और सबूत के सामने रखे गए तो पुलिस ने धर्मेंद्र को सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने हत्याओं का जुर्म कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने फरार गुरुदेव सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि मृतका जोगेंद्र बाई ने अपनी बिरादरी के लोगों की जमीन को गैर धर्म के व्यक्ति को देती थी। साथ ही उन्हें शक था कि उनके साथ जोगेंद्र के अवैध संबंध हैं। रंजिश के चलते दोनों ने जोगेंद्र की हत्या की साजिश रची, लेकिन गुरमीत सिंह उनके आड़े आ रहा था, जिस कारण दोनों ने घटना के दिन 5 जून की रात को पहले गुरमीत सिंह की गला घोटकर हत्या की। इसके बाद दोनों जोगेंद्र के घर गए और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। फिर दोनों शवों को नदी के किनारे ले जाकर पाटल और कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर बोर नदी में फेंक दिए। वहीं अब इस घटना के खुलासा होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।